यूपी में सर्दी अपने पूरे शबाब पर है। कोल्ड डे के साथ कोल्ड वेव शुरू हो चुका है। गलन इतनी बढ़ गई है कि लोग कांप उठे। अगर तापमान की बात की जाए तो मिनिमम टेम्परेचर 3.6 सेल्सियस और मैक्सिमम 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं हवाओं के चलते दिन और रात का टेम्परेचर लगभग एक सा है। सुबह से ही कोहरे की चादर ने पूरे यूपी को अपने आगोश में ले लिया है, जिससे कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। वहीं घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से लगभग सभी लोग परेशान हैं। सुबह और शाम के बाद कोहरे से सड़कों पर विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। इसका सीधा असर अब काम के साथ साथ रफ्तार पर भी पड़ रहा है। गाड़ियों के पहिए थमते जा रहे हैं। बसों से सफ़र करने वालों को तो रोज़ाना कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर कोहरे से कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। शुक्रवार को तो शाम होते ही शीतलहर और कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही गंगा और यमुना संगम तट पर मकर संक्रांति पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। घने कोहरे और ठंड के बाद भी लोग गंगा में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में तो माघ मेले की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोर से डुबकी लगाने के साथ दान पुण्य किया। प्रयागराज के साथ साथ काशी में भी गंगा घाटों पर लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली है। ठंड की वजह से सड़कों पर गाड़ियां भी कम देखने को मिल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सर्दी का सितम अगले कई दिनों तक जारी रहेगा। वहीं कई जिलों में शुक्रवार और शनिवार में बारिश की भी संभावना है, जिसके बाद धूप खिलने के भी आसार हैं। लेकिन फिलहाल अभी सर्दी से निजात मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर, हिंदी।